हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे टॉपिक दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में जो टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था वो था ब्लड का टॉपिक, राइट। तो ब्लड के टॉपिक में मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमने दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, एक है प्लाज्मा पोर्शन और एक होता है दैट इज़ फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं बेटा? RBCs, WBCs एंड द थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोल दो चाहे प्लेटलेट्स बोल दो, बात एक ही है। ये तीनों चीज़ें हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे, RBCs, WBCs एंड थ्रोम्बोसाइट्स। तो हमारा जो पोर्शन डिस्कस करना रहता था वो भी कौन सा है? प्लाज्मा, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे पोर्शन प्लाज्मा। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था प्लाज्मा फॉर्म्स अ 55% ऑफ द ब्लड व्हेयरएज फॉर्म्ड एलिमेंट्स फॉर्म द 45% ऑफ द ब्लड, राइट। तो हम बात करेंगे अभी प्लाज्मा की। प्लाज्मा बेटे एक पेल कलर का लिक्विड होता है, पेल समझ लो स्लाइटली येलो कलर का फ्लूइड होता है। सो इट्स अ पेल कलर्ड फ्लूइड और इसमें 55% ब्लड वॉल्यूम का ये पोर्शन होता है। और प्लाज्मा में क्या होता है बेटा? प्लाज्मा में इट्सेल्फ 90 to 92% वाटर होता है। सो प्लाज्मा कंटेन्स 90 to 92% वाटर एंड इसमें 8 to 10% ये फॉलोइंग चीज़ें होती हैं जो मैं अभी बताऊंगी। तो इसमें क्या कुछ होता है बेटा? प्लाज्मा में 8 to 10% तक प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। प्लाज्मा के कौन से प्रोटीन्स होते हैं? प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, राइट। इसके अलावा प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है, राइट। और इसके अलावा प्लाज्मा में फिब्रिनोजन होता है। ये तीनों प्रोटीन्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं, राइट। तो इसके अलावा और प्लाज्मा में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो यही जो मैं अभी 8 to 10% की बात कर रही हूँ, अभी मैं इसके बीच में ही बात कर रही हूँ कि 8 to 10% प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कैसे? जैसे ग्लूकोज, राइट, अमीनो एसिड्स, इसके अलावा फैटी एसिड्स, और क्या होते हैं इसमें? ग्लिसरॉल, राइट। और तो और इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं। सो प्लाज्मा कंटेन रेस्पिरेटरी गैसेस, कौन सी? लाइक CO2 एंड O2। और इसके अलावा प्लाज्मा में मिनरल्स भी होते हैं, मिनरल आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। वो कौन से? लाइक सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है इसमें, राइट, क्लोरीन होता है, और इसमें कैल्शियम है, पोटाशियम होता है, राइट। तो इसमें PO4- फॉस्फेट आयंस भी होते हैं। और इसके अलावा इसमें एंजाइम्स, हॉर्मोन्स, और क्या होते हैं इसमें? एंटीबॉडीज़, ये भी होते हैं। तो ये थी सारी की सारी ब्लड के प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन। तो ब्लड का प्लाज्मा जैसे कि मैं बता रही थी दैट कवर्स अ 55%, राइट। ये देखो 55% पोर्शन। कलर बताऊँ तो उसका पेल लाइट येलो कलर का फ्लूइड लिक्विड होता है ये, क्लियर। तो यहाँ तक हमारा ब्लड का पोर्शन हुआ ख़त्म, लेकिन अभी भी ब्लड के अभी फंक्शंस बाकी हैं, राइट। तो हम बात करेंगे अभी फंक्शंस ऑफ ब्लड। राइट, तो फंक्शन ऑफ ब्लड में सबसे पहली चीज़, ब्लड जो है वो सॉल्युबल एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है लाइक यूरिया है ना, तो वो उसको ट्रांसफ़र करता है टू द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। सो फर्स्ट इज ब्लड कैरीज सॉल्युबल एक्सक्रीटरी मटेरियल लाइक यूरिया to the organ of excretion, clear? Now इसके बाद हमारे पास that is second point of the blood, that is blood carries
हॉर्मोन्स, राइट। अनदर पॉइंट जो है दैट इज़ ब्लड मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, तो ब्लड जो है वो हमारी बॉडी का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखता है। सो ब्लड मेंटेन्स द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, राइट। और इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी, सो इट ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट। ये कैसे कैरी करता है बेटा, जो हमारा ब्लड होता है ना उसमें आरबीसीज में एक पिगमेंट होती है हीमोग्लोबिन, उसके साथ कंबाइन होकर जाती है ऑक्सीजन, तो HB प्लस O2 दिस विल फॉर्म HbO2 दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अनदर जो पॉइंट है दैट इज जो ब्लड होता है दैट कैरीज CO2 ऑल्सो, सो इट कैरीज CO2 ऑल्सो, अकेली ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि CO2 को भी कैरी करके लंग्स तक लेकर जाता है। इसके अलावा जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं तो वो ब्लड का ही हिस्सा हो गया ना, सो ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, राइट। सो इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इसके अलावा जो WBCs होते हैं ब्लड में, दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर्स ऑफ बॉडी, क्योंकि ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड डिफेंस टू बॉडी। एंड लास्ट जो ब्लड है वो हमारे pH मेंटेन रखता है ब्लड की, राइट। सो ये पॉइंट हम चाहे मिस भी कर सकते हैं, इट मेंटेन्स अ pH, राइट। तो यहाँ तक हमारा एक पोर्शन अभी ख़त्म हुआ है, दैट इज़ द ब्लड। तो आपको याद है हमने क्या टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है, हमने टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने कहा था इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, पहली बात तो हम दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने हैं हमने, दैट इज़ अ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और एक हमने पढ़ना है दैट इज़ द लिम्फैटिक सिस्टम। तो हमने जो पहले स्टार्ट करा हुआ है वो कौन सा स्टार्ट करा हुआ है, दैट इज़ द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ब्लड पढ़ना है, ब्लड वेसल्स पढ़नी है और हमने हार्ट पढ़ना है। तो हमने इसका अभी एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया, दैट इज़ द ब्लड। तो हम सेकेंड पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड वेसल्स। सो नेक्स्ट पोर्शन इज़ द ब्लड वेसल्स, राइट। बट ब्लड वेसल्स हैं क्या, ब्लड वेसल कुछ नहीं, एक तरह से ट्यूब्स हैं, इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। सो दीज आर इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब्स विच कैरी ब्लड, राइट। और जो ब्लड वेसल्स हैं उसकी हम टाइप्स की बात करेंगे अभी। सो ब्लड वेसल की टाइप्स की बात करेंगे, तीन टाइप्स हैं इसकी, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, तीन तरह की हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा आर्टरीज की, राइट। बेटा ये थिक वॉल्ड होती हैं, दे आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। बेटा मोस्टली आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस आ जाता है, राइट। और आर्टरी का काम क्या होता है, इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो हार्ट से दूर जाएगा तो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बॉडी में, राइट। सो दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके अलावा जो वॉल्स होती हैं बेटा आर्टरीज की, नियर द हार्ट काफ़ी थिक होती हैं, राइट, ताकि वो आराम से डायलेट हो सकें, ओपन हो सकें, डायमीटर में खुल सकें, बट रप्चर नहीं होती। ये बात याद रखो, जो हार्ट के पास
ये आर्टरीज होती हैं बेटा, उनको तो बहुत ज़्यादा थिक होना ही पड़ेगा ना। उसका रीज़न है क्योंकि हार्ट के पास जो आर्टरीज होंगी उनमें प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो वो फट सकती हैं। ताकि वो फटे नहीं इसलिए उनकी वॉल्स थिक होती हैं, ताकि वो ईजी से डायलेट ओपन हो सकें, राइट, रप्चर नहीं होंगी, राइट। सो वॉल्स ऑफ आर्टरीज नियर द हार्ट आर थिक दैट इनेबल्स देम टू डायलेट। डायलेट मीन्स इंक्रीज इन डायामीटर विदाउट रप्चरिंग, विदाउट फटे, विदाउट रप्चरिंग। देयरफोर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर के अंडर होता है आर्टरीज में, राइट। ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर। इन आर्टरीज और इसके अलावा जो बेटा आर्टरी होती है ना उसका ल्यूमन नैरो होता है, ल्यूमन इज़ नैरो। अब ल्यूमन होता क्या मैं बताती हूँ। सपोज़ करो बेटा ये जो पेन है, राइट, ये पेन एक तरह से आर्टरी है, राइट। तो ये जो अंदर की स्पेस है जहाँ पे मैंने रिफ़िल डाला है, ये जो स्पेस होती है इसको ल्यूमन बोला जाता है। ल्यूमन अगर कम होगा तो बेटा सोच के देखो तो प्रेशर ज़्यादा नहीं होगा, बिल्कुल। अगर हम अपने घर पे वाटर देने वाली जो पाइप होती है प्लांट्स को, उसके आगे अगर हम फिंगर रख लें, उसका ल्यूमन कम कर दें, तो पानी कैसे प्रेशर से जाता है ना, सेम। तो इनका ल्यूमन क्या होता है, नैरो। लेकिन जो आर्टरीज होती हैं वो डीप सीटेड होती हैं, काफ़ी डीप तक होती हैं। ऊपर जो हमें ऊपर नज़र आती हैं वो वेन्स होती हैं। सो आर्टरीज आर डीप सीटेड, राइट। अब हम बात करेंगे वेन्स की। वेन्स कैसी होंगी बेटा, थिन वॉल्ड होती हैं, दे आर थिन वॉल्ड। और ये ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेकर आती हैं। वो कैसी थी, वो हार्ट से बॉडी तक लेकर जाती थी। सो दे ब्रिंग ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, राइट। और जो ल्यूमन होता है, ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ वेन इज कैसा होगा, इसका ल्यूमन वाइड होगा। उसका कैसे था, नैरो था। अगर इसका ल्यूमन वाइड होगा तो इसका ब्लड कैसे होगा, अंडर ज़्यादा प्रेशर में नहीं होगा। सो ब्लड इज अंडर लो प्रेशर, ब्लड इज अंडर लो प्रेशर, राइट। और जो बेटा ब्लड पास होता है वेन्स में वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सो ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड इन वेन्स, मतलब उस ब्लड में कम ऑक्सीजन लेकिन ज़्यादा CO2 होती है, CO2 ज़्यादा ऑक्सीजन कम। सो ब्लड इज डीऑक्सीजनेटेड इन द वेन्स। एक्सेप्शन कौन सी है, एक्सेप्शन इज़ द पल्मोनरी वेन। बेटा पल्मनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड पल्मनरी वेन। एक चीज़ और, जो वेन्स होती हैं, वेन्स हैव वैल्व, वेन के अंदर वैल्व होते हैं। जैसे ये वेन है, ये तो वेन के अंदर ऐसे वैल्व होते हैं ताकि बैकवर्ड ब्लड को रोका जा सके, ताकि ब्लड बैक ना जा सके। अगर ब्लड ऐसे जा रहा है तो ऐसे ना जा सके। सो वेन्स हैव वेल्व टू प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, राइट। यहाँ पे मैं बताना भूल गई थी, आर्टरीज में आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक्सेप्शन कौन सी है इसकी, एक्सेप्शन कौन सी है, पल्मनरी आर्टरी दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज दे डू नॉट हैव वेल्व्स, इनको तो ज़रूरत भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि इनका जो ब्लड होता है वो एक्चुअली हाई प्रेशर में होता है, क्लियर। तो ये थी आर्टरीज और वेन्स के बारे में। अब हम बात करेंगे थर्ड पोर्शन, दैट इज़ अ कैपिलरीज,
राइट बेटा, ये काफ़ी थिन वॉल्ड होती हैं, दे आर थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो, बहुत ज़्यादा पतली होती हैं, राइट, दे आर एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो, राइट। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, दे आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल ऑफ आर्टरी एंड वेन, मैं बताती हूँ, ये देखो जैसे ये आर्टरी ख़त्म हो रही है, आर्टरी की फाइन डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, देखो कैपिलरीज, देखो मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी, तो आर्टरी के एक एंड पे और वेन, तो दे ज्वाइन, तो दे आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ आर्टरी एंड टर्मिनल एंड ऑफ वेन, राइट, सो दे आर प्रेजेंट एट द टर्मिनल एंड ऑफ आर्टरी एंड वेन, इट मीन्स दे ज्वाइन आर्टरीज एंड वेन्स टूगेदर, दे ज्वाइन आर्टरीज एंड वेन्स टूगेदर, और ये एक तरह से नेटवर्क बनाती हैं वेसल्स का, राइट, दे फॉर्म नेटवर्क ऑफ वेसल्स, और जो इनकी वॉल होती है ना, दैट इज़ परमीएबल टू गैसेस, राइट, द वॉल इज़ परमीएबल टू गैसेस एंड इवन टू वाटर, सो देयर वॉल इज़ परमीएबल, परमीएबल तो होनी चाहिए बड़े, तभी ये एक्सचेंज करवाएंगे, सो देयर वॉल इज़ परमीएबल टू गैसेस, टू वाटर एंड इवन टू डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस, राइट, सो एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल टेक्स प्लेस थ्रू कैपिलरीज, तो अगर ये सेल्स हैं बॉडी के, दीज आर द सेल्स ऑफ द बॉडी, राइट, और ये हमारे पास हैं कैपिलरीज, तो एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड द बॉडी सेल्स अकर थ्रू कैपिलरीज, राइट, सो एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड बॉडी सेल्स अकर थ्रू कैपिलरीज, राइट, और ब्लड को बहुत धीरे धीरे फ्लो करता है यहाँ पे, बेटा धीरे तो फ्लो करना ही चाहिए, तभी तो एक्सचेंज होगा, अगर बहुत फास्ट होगा तो बिना एक्सचेंज के निकल जाएगा, राइट, तो ब्लड ऑल्सो फ्लोज वेरी स्लोली विच हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ फूड मटीरियल गैसेस एंड इवन द वेस्ट प्रोडक्ट, तो इनको एक्सचेंज कराने में हेल्प मिलेगी, राइट। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवेज की, नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलेटरी पाथवेज, बेटा देर आर टू सर्कुलेटरी पाथवेज कौन कौन से हैं, दैट इज ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, सो ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड द क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे, बेटा ओपन सर्कुलेटरी पाथवे में क्या होता है, जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड है वो कौन पंप करता है, हार्ट ही पंप करता है, राइट, वेसल्स में जाएगा ब्लड, लेकिन सिर्फ वेसल्स में ही फ्लो नहीं करेगा, बल्कि ओपन स्पेसेस या ओपन कैविटीज़ में फ्लो करेगा, सी, सो ब्लड डज नॉट फ्लो इन डेफिनेट ब्लड वेसल्स इंस्टेड इट फ्लोज इन
ओपन स्पेसेस. ये किस में होता है? फॉर एग्जाम्पल इन मोलस्का. बेटा आप नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए हो फाइलम मोलस्का, दैट इज़ अ सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स विद शेल्स एंड इवन आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स की बात कर रहे हैं हम, राइट? लेकिन जो क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, दैट इज ब्लड फ्लोज इन डेफिनेट ब्लड वेसल्स, राइट? डेफिनेट ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, लाइक आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में. और ये मोस्टली एनिमल्स में होता है और इवन इन द कॉर्डेट्स, हम में भी, इवन फिश में, बर्ड्स में, राइट? और मैं आपको बता दूं, जो फिशेस होती हैं उनमें टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, बस एक ऑरिकल होती है और एक वेंट्रिकल होती है, राइट? जो एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स होते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं. जो एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स होते हैं, बस क्रोकोडाइल को छोड़कर, बेटा रिप्टाइल, क्रोकोडाइल रिप्टाइल्स में आएगा, राइट? क्रोकोडाइल को छोड़कर एक्सेप्ट, इन दोनों में थ्री चैम्बर्ड होता है, हार्ट होता है, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट? थ्री चैम्बर्ड में क्या होता है? दो ऑरिकल्स होती हैं और एक क्या होती है? वेंट्रिकल होती है, राइट? बट क्रोकोडाइल बर्ड्स में और मैमल्स में, हम भी मैमल्स में ही आते हैं, हमारे में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, राइट? तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो या ये वाली वीडियो में बस यहीं तक करेंगे, राइट? हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे ये वाला पोर्शन, दैट इज़ हार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाय बाय स्टूडेंट्स.